ओके सो क्लास सिक्स आगे बढ़ते हैं। हमारा हम लोग ने जो कल पढ़ा था उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने पढ़े थे टैप रूट्स, फाइब्रस रूट्स, वेनेशंस पढ़े थे, पैरेलल और रेटिकुलेट। आज पढ़ते हैं फ्लावर के बारे में। हमने थोड़ा सा पढ़ा था फ्लावर्स में, हमने पेटल्स पढ़े थे एंड सेपल्स पढ़े थे। सो आप लोगों ने घरों में किसी फ्लावर को देख करके उसके पेटल्स एंड सेपल्स काउंट किए होंगे, नहीं किए हों तो फिर से करेंगे। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप लिखेंगे, एक तो फूल्स के नाम लिख के, जैसे सूरजमुखी का ले लेंगे, सनफ्लावर, या रोज़ का फ्लावर ले लेंगे जो कि कॉमनली आजकल मिल जाते हैं। तो और भी कोई फूल आपके आसपास हो तो उसके पेटल्स एंड सेपल्स को आप काउंट करेंगे। क्या क्या इसमें लिखना है आपको, हाउ मैनी सेपल्स डज इट हैव, कितने सेपल्स हैं, कितने पेटल्स हैं, दोनों काउंट करेंगे अगर पॉसिबल होगा। बहुत ज़्यादा पेटल्स होंगे तो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन सेपल्स सबके काउंट करेंगे। आर दे जॉइंट टुगेदर, क्या वो एक साथ जॉइंट हैं, जुड़े हुए हैं आपस में। हाउ मैनी पेटल्स डज अ फ्लावर हैव, पेटल्स काउंट करेंगे, पहले ही बोल दिया है। आर दे जॉइंट टू वन अनदर, ये जॉइंट वाले पेटल्स हैं, या क्योंकि जैसे धतूरा का फूल होता है उसके जो पेटल्स होते हैं वो जॉइंट होते हैं, बट जो गुलाब का फूल होता है या जो सूरजमुखी का फूल होता है उसके पेटल्स जॉइंट नहीं होते हैं। डू द फ्लावर विद जॉइंट पेटल्स हैव पेटल्स, जॉइंट सेपल्स हैव पेटल्स दैट आर सेपरेट और दे आर जॉइंट टुगेदर। इसके बाद हम उसको कंपेयर कर लेंगे कि जिनके सेपल्स जॉइंट हैं क्या उनके पेटल्स भी जॉइंट हैं, या जिनके पेटल्स जॉइंट हैं उनके सेपल्स भी जॉइंट हैं। ठीक है, फिल द टेबल बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, इन जो आपने ऑब्जर्वेशन करा होगा उसको उसके बेस पे आप लोग क्या करेंगे, इस टेबल को भरेंगे। जैसे नेम ऑफ फ्लावर, उसके बाद नंबर ऑफ कलर्स इन सेपल्स, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें दो दो भी कलर हो सकते हैं, पेटल्स में कितने कलर्स हैं, सेपरेट हैं, नहीं हैं, फ्री हैं, प्रेजेंट पिस्टल प्रेजेंट है कि नहीं है, तो ये सारी ऑब्जर्वेशंस को आप इसमें रखेंगे। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा और इसके अंदर इसका डिसेक्शन करते हैं। डिसेक्शन मीन्स इसके अंदर जाते हैं, फूल के अंदर, फ्लावर के अंदर जाते हैं, एंड लेट्स चेक What's inside this flower? Remove the sepals and petals. दोनों हटा देने हैं. To see the other parts. ठीक, study the figure 7.22. ये है. इस figure को carefully study करेंगे हम लोग, देखेंगे. Compare your flower with the illustration and define the stamens and pistils of your flowers. ठीक है, तो अब हम फ्लावर को क्या करेंगे, इस थोड़ा सफाई करेंगे इसकी, इसके कुछ पेटल्स और सेपल्स हटा देंगे। तो जब हम इनको हटाएंगे तो हमको फ्लावर कुछ इस तरह का दिखेगा, ये क्रीम कलर का स्टेमेंस है, छोटी छोटी डंडियाँ होती हैं, ये देख रहे हो आप। तो ये जो ऊपर का हिस्सा है इसके, ये ऊपर का जो एक स्ट्रक्चर है छोटा सा, ये है एंथर्स, जिसका कलर है येलो इस पर्टिकुलर फ्लावर के लिए। और नीचे क्या है, इसके जो पिस्टल है वो किस कलर की है, ग्रीन कलर की है। तो आपको करना क्या है कि अपने फ्लावर में ये चीज़ें कंपेयर करनी है। ये इसको हमने हटा के फिर से दिया है, तो ऊपर वाला जो हिस्सा जो है तो कुछ कुछ लीफ की तरह दिख रहा है, वो है एंथर। दूसरा क्या कहलाता है, जो उसकी डंडी जैसी है वो कहलाती है फिलामेंट। तो ये पार्ट्स ऑफ स्टेमन, इसके पार्ट्स। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पार्ट्स ऑफ फ्लावर बताइए या पार्ट्स ऑफ पिस्टल्स बताइए। तो नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ पिस्टल्स। The innermost part of flower is called pistil. If you cannot see it completely, remove the remaining stamens. Identify the parts of pistils with the help of figure.
विद अ गिवन फिगर. ड्रॉ अ नीट लेवल डायग्राम ऑफ पिस्टल ऑफ योर फ्लावर. तो आपने जिस फ्लावर को स्टडी किया है उसका आपको यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करना है. फिलहाल जिनको इसका अभी अंदाज नहीं आ पा रहा है, तो कभी स्कूल होंगे, खुलेंगे, जब भी खुलेंगे अगर आपके सिक्स में रहते रहते, तो हम इसको डिटेल में क्लासरूम में देखेंगे. फिलहाल आप इस फिगर को अपनी कॉपी में बनाएंगे, जिसमें क्या दिखाया हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये तीन पार्ट्स होते हैं पिस्टल्स के. तो पिस्टल के तीन पार्ट हैं स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी. ठीक है, लेट अस नाउ स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. लोअर पार्ट, लोअर मोस्ट एंड स्वॉलन पार्ट. स्वॉलन माने सूजा हुआ. तो आप देखोगे कि इस पूरे स्ट्रक्चर में ये पार्ट सबसे मोटा है. तो द लोअर मोस्ट एंड स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड, सॉरी, इट इज द लोअर मोस्ट एंड द स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल इज कॉल्ड ओवरी. वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट्स इनसाइड. ठीक है, इसको हम कट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ब्लेड और देखेंगे कि इसके अंदर क्या होता है. इस काम को बहुत सावधानी से करना है. तो इसको कट लगाने के तरीके दो तरह से कट लगेंगे. एक लगेगा लॉन्गिट्यूडनल कट, एक लगेगा ट्रांसवर्स कट. एक होगा लॉन्गिट्यूडनल कट, एक होगा ट्रांसवर्स. लॉन्गिट्यूडनल मतलब सीधा कट कर दिया यहाँ से ऊपर से, यानी कि इसका टॉप सेक्शन देखेंगे हम. ऊपर से देखने पर ये कैसा दिखता है. कट द ओवरी इन टू डिफरेंट वेज. तो यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि एक लॉन्गिट्यूडनल कट पे तो हमको इसके अंदर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो हमारे एक तरह से कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी की तरह दिख रहा है, बैकबोन की तरह. और ऊपर से कट करने पर हमको ऐसे ओव्यूज दिख रहे हैं. तो ये दो तरह से कट करेंगे हम, एक ट्रांसवर्स कट होगा और एक लॉन्गिट्यूडनल कट होगा. एक ऊपर से सीधा कट मार देंगे और एक इसको क्रॉस सेक्शन कर देंगे. क्रॉस सेक्शनल कट कहते हैं इसको. तो क्रॉस सेक्शन कट करेंगे तो हमको ओव्यूल्स जो दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये क्या हैं, सारे के सारे ओव्यूल्स हैं. ये ऊपर से देखने पर ऐसा दिखता है और लॉन्गिट्यूडनल कट करने पर इस तरह का दिखेगा. ऑब्जर्व द इनर पार्ट ऑफ द ओवरी यूजिंग अ लेंस. डू द सेम. डू यू सी सम स्मॉल बीट लाइक स्ट्रक्चर इन साइड द ओवरी. दिस इज कॉल्ड ओव्यूल्स. इसका भी लेवल डायग्राम अपने कॉपी में बनाएंगे. तो डू ऑल फ्लावर्स हैव सेटल्स. अभी इसमें कुछ और आपको स्टडी करनी है. क्या सभी फ्लावर्स में सेपल्स, पेटल्स, स्टैमेंस एंड पिस्टल्स होते हैं, या कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जिनमें से कि इनमें से कुछ होती चीज़ें हैं, कुछ नहीं होती हैं. कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें सेपल्स एंड पेटल्स के बीच में कोई डिफरेंस होता है. तो अलग अलग फ्लावर्स की स्टडी करके इन चीज़ों को हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. तो वी हैव स्टडी सम फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ लीफ, स्टेम, रूट्स. वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स. वी विल लर्न अबाउट द फंक्शंस ऑफ फ्लावर इन हायरस्ट क्लासेस. वी विल ऑल्सो लर्न फ्रूट्स इन हायर क्लासेस. इसी के साथ ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक ये पूरा होता है. इसमें हमने क्या क्या कई वर्ड्स पढ़े थे, थोड़ा उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अभी थोड़ा टाइम भी है हमारे पास. क्लाइंबर्स, जिनको एक सहायता चाहिए, पेड़ या कुछ भी मिल जाएगा डंडी टाइप की, तो उसकी सहायता से चढ़ते हैं, वो क्लाइंबर्स कहलाते हैं. कंटैक्ट क्रीपर्स, जो ज़मीन में ही फैलते जाते हैं, काफ़ी भारी भारी फ्रूट्स इसके ऊपर रखते हैं, तो क्लाइंबर्स तो ये बन भी नहीं सकते इतनी आसानी से. फाइब्रस रूट्स, ठीक, ये हमको मालूम है. हर्ब्स, लेमा, लेटरल रूट्स, मिडरिप, ओव्यूल, पैरेलल वेनेशन, पेटल्स, पिटोले, फोटोसिंथेसिस, पिस्टल, रेटिकुलेट वेनेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, पैरेलल वेनेशन एंड रेटिकुलेट वेनेशन. और लीव्स, लीव्स का स्ट्रक्चर, लीव्स के स्ट्रक्चर हैं ये. तो लीव्स के स्ट्रक्चर का
रूट के साथ, रूट्स के साथ में रिलेशनशिप, शर्ब्स, स्टेमन, टैप रूट, ट्रांसपिरेशन, ट्रीज एंड वेन्स। तो ये हमारे पास कुछ, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, थोड़ा कोर्स स्पीड से आगे बढ़ाएंगे। हो सकता है एक दो चैप्टर आप छोड़ें क्योंकि नो कंटिन्यूएशन में नहीं होंगे। खैर, इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको भेज दिए जाएंगे, इसको आप अपनी कॉपी में कर लेंगे।